बिहार के जिले मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार मामले पर आज राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी ने विधान परिषद खत्म होने के बाद मीडिया के सवालों पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। चमकी में जो इतने बच्चों की मौत हुई, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए ऐसा कैसे चल रहा है भाई। अरे मोबाइल किसका था? क्या कर रहे किसका? व्यवस्था नहीं की, व्यवस्था नहीं की, आज की व्यवस्था नहीं हुआ। आप लोग स्थिर से रुकिए। सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार जो सरकार है, उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार मोदी, नीतीश कुमार मंत्री हैं, मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको तो इस्तीफा करना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए के बहाना, इस्तीफा देना चाहिए करके, लीची के बहाना करके कुपोषण के शिकार लोग हैं, पेट में अन्न दाना नहीं मिला, वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। घर घर गरीबों के घर में अनाज पहुँचाना वो लोग का काम है, सरकार के काम है, प्रशासन के काम है। इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा करना चाहिए नीतीश कुमार को। नहीं मंगल पांडे करते हैं इस्तीफा, तो नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए। मांगे इस्तीफा मंगल पांडे से, नीतीश कुमार भी मांगना चाहिए, उनको भी इस्तीफा मांगना चाहिए। इतना रहते हुए उनका स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए और दो अढ़ाई सौ बच्चा खत्म हो गया है, जो अस्पताल में रिकॉर्ड है उसी को लोग दिखा रहे हैं, जो गांव घर में मरा है उसका गिनती नहीं है। कितना बच्चा गांव घर में मरा है, हॉस्पिटल व्यवस्था में जाते हुए मरा है, घर में भी मरा है, तो उसका तो रिकॉर्ड नहीं है। तो सरकार को छानबीन करना चाहिए कि कितना गाँव में बच्चा मरा, कितना हॉस्पिटल में मरा। इस पर तो सरकार विफलता रही है, हर मोर्चा पर सरकार विफलता रही है। प्रधानमंत्री बोले कि ये हम लोगों की नाकामी है। सही बात बोले हैं प्रधानमंत्री, इस बात पर तो उनको मैं स्वागत करती हूँ कि उनको नज़र से देखना चाहिए सभी जगह, क्योंकि देश भर के मुखिया हैं, ना एक पार्टी के मुखिया नहीं है, सभी के मुखिया हैं, सभी पार्टी के मुखिया हैं, सभी देश के मुखिया हैं। उनको तो प्रधानमंत्री से मांग करता है कि मंगल पांडे से इस्तीफा मांगना चाहिए, इस्तीफा देते हैं तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। बताते चले आपको, चमकी बुखार से लगभग सूबे में 140 बच्चों की जाने जा चुकी हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि राबड़ी देवी के आरोपों पर नीतीश सरकार क्या जवाब देती है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।